We are also joined in by the Medical Education Minister of Madhya Pradesh, Mr. Vishwas Kailash Sarang. We also have Mr. Sarang and Mr. T.S. Deo, Health Minister of Chhattisgarh. Thank you very much. Thank you very much to the two of you for joining us. Let me begin with you, Mr. Deo. We had the Chief Minister of Chhattisgarh just a short while ago, and to certain very pointed questions, he seemed to offer some critical suggestions, particularly on the crucial issue of vaccines. He said that this is the time where vaccines must be allowed, the royalty must be distributed in such a way that a maximum number of companies who have the capability to manufacture must be allowed to manufacture. And it should not be limited to just a few companies. Do you think that this is a suggestion which you would want to take up with the central government? Certainly, it is something which should have happened long back. Sputnik has been there globally, present with their tested vaccine, I think, September, October. So it's been late, it's been pretty late in picking up other companies. And most certainly, more companies should be allowed to, and even these companies must ramp up their vaccination capacity. सारंग जी वैक्सीन की भी बात हो रही है, ऑक्सीजन भी बहुत अहम है, और मैं आज ही देख रही थी आपने उसके बारे में चिंता भी जताई है. एक अस्पताल में मध्य प्रदेश में कुछ लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई. क्या आंकलन है आपका ऑक्सीजन को लेकर मध्य प्रदेश के अस्पतालों में? जी, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है. मैंने सुबह भी इसको स्पष्ट किया था. हम निश्चित रूप से कहते हैं किसी की भी मृत्यु, किसी की भी मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ जो शहडोल की घटना आज मीडिया में आई है, उसमें उसी समय साइमल्टेनियस बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर पे थे. यदि 6 लोगों की मृत्यु यदि ऑक्सीजन की कमी से होती है, तो बाकी जो वेंटिलेटर पे थे उनकी भी तबीयत खराब होनी थी. उनकी तबीयत खराब नहीं हुई, जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे. पर निश्चित ऑक्सीजन हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, और हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए है, क्योंकि हम जब कोविड के इलाज की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एक बड़ा एलिमेंट है इसके इलाज के लिए. मैं बल्कि ये कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन बहुत हद तक इसके लिए एक दवाई है, तो उसको लेकर एक बड़ा चैलेंज है. पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से आज हमें जितनी डिमांड है उतनी हमारे पास उससे ज्यादा सप्लाई है, और जो हम जिस प्रकार से हमारा पॉजिटिविटी बढ़ रही है, और हमने जो भी प्लान किया है उसमें हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशियंट मात्रा है, हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है. और उसके बाद भी ऑक्सीजन निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है, पर हम उसको मीट आउट कर रहे हैं, हम उसको ठीक ढंग से उसकी आपूर्ति में सफल है. सारंग जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ. देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी ये बात बहुत बार बोली गई है, और केंद्र में भी हम देखते हैं कि शुरुआत इस बात से हमेशा होती है कि किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है, सब चीज़ पर्याप्त मात्रा में है, और उसके बाद 2-1 दिन के अंदर अंदर फिर आप उसको प्रोडक्शन रैंप अप करने की कोशिश करते हैं. आपको नहीं लगता है कि अब वो समय गया ये इस तरीके का बयान देने का कि और ये समाधान निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास कोई शॉर्टेज नहीं है? शॉर्टेज तो है ना, जब इस तरीके से मामले बढ़ेंगे तो शॉर्टेज तो होगी, किल्लत तो होगी. मैंने आपको निवेदन किया, जैसा मैंने कहा कि प्रेजेंटली हमारे पास जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन है, और उसके बाद मैंने कहा कि ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है. और जैसा हम आज पॉजिटिविटी देख रहे हैं, उस हिसाब से हमने 30 अप्रैल तक हमें क्या कुछ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उसका हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है. यदि आप चाहेंगे तो मैं कल का फिगर बता सकता हूँ. कल हमें 270 मैट्रिक टन की हमारी खपत हुई है, और हमने प्रक्योर की है 295 मैट्रिक टन, इसलिए हमारे पास सरप्लस थी. हाँ, ये मैंने कहा कि चुनौती है, पर उसको हम मीट आउट कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन अलग अलग जगह से लेने की बात हो या टैंकर से ट्रांसपोर्टेशन की बात हो. मध्य प्रदेश में हमने ऑक्सीजन के टैंकर को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है, हम ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, हम हर उस व्यवस्था में लगे. जैसा आपने कहा कि सोल्यूशन, निश्चित रूप से हम सोल्यूशन करने में लगे हैं. चुनौती जरूर है, पूरी महामारी है, देखिए ये पैंडेमिक है, ये महामारी है, तो इस समय तो व्यवस्थाएं निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण रहेंगी. हमारी व्यवस्था को मीट आउट करने के लिए जो हमें सोल्यूशन देने हैं वो हम उसमें लगे हुए. देव सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो ग्रामीण इलाके हैं हमारे छत्तीसगढ़ के,
उस लिहाज से क्या आंकलन है आपका, क्योंकि इस बार जो फैलाव है बहुत ज्यादा फैलाव तेजी से फैल रहा है बच्चों में, युवाओं में, और इस बार हमारे ग्रामीण भारत में भी फैला है, क्या आंकलन है ग्रामीण इलाकों के लिहाज से? आपने सही कहा निधि जी, पिछले कोविड वेव की तुलना में इस बार युवाओं में, बच्चों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले की तुलना में फैलाव ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। और अभी भी जो आंकड़े आ रहे हैं, जिन शहरों में पहले अधिक प्रतिशतता पॉजिटिविटी की आ रही थी वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और जहां पर कम था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। यही हमारी चिंता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉजिटिविटी बढ़ रही है प्रति 100 टेस्ट की, उसको हम रोक सकें, और जहां घट रहा है उस क्रम को बरकरार रख सकें। Mr. Deo, going forward, what are those concrete 4 or 5 points that we must keep in mind the next time we prepare for the next wave? It's not like this virus is not going to have another wave. I mean, we are still not over the second wave, but as we're seeking solutions, what are those 3, 4, 5 key bits that we must keep in mind and learn from this experience? Absolutely correct, Sanketji. When did we fall short in the second wave? All those things we must do. We don't have ICU beds. We don't have oxygenated beds. We have a lack of, let us say, injections like remdesivir. We may be falling short of steroidal medication. So all these points where we are falling short at the not yet peak of the second wave, we must prepare for all this for the next phase. And if it is not going to be corona, it's going to be something else. That is for sure. ठीक है सारंग जी, आपने मिसेस सिंह कोरोना ओनली दैट इज टू बी एंटीसिपेटेड जी, आज तो खैर कोरोना महामारी बना हुआ है। सारंग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जब अभी रेमडेसिविर की बात आई, इसकी वायल्स चोरी हो गई एक अस्पताल में, उस लिहाज से भी चिंता होती है, क्योंकि और राज्यों से भी ऐसी खबरें आ रही है कि भाई यहाँ पे ये चोरी हो गई, लेकिन ये एक ऐसी दवा इस समय मानी जा रही है जो बिल्कुल उपचार में बहुत अहम है, क्या कारण आप देख रहे हैं और ये ऐसी चोरियां ना हो, इसका निवारण कैसे हो? निधि, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि इस समय रेमडेसिविर हमारे लिए अमृत है, और उस समय उसकी चोरी होना ये हम सबके लिए बहुत चिंताजनक है। मुझे ऐसा लगता है आज शाम तक हम इस सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे और हमें ऐसा लगता है हम रिकवर कर देंगे, पर ये एक बड़ी चिंता का विषय है, और निश्चित रूप से इसकी रोकथाम के लिए जो हमें प्रयास करने थे हमने वो प्रयास किए हैं। मैं मानता हूँ कि ये चिंता का विषय है, ऐसा होना निश्चित रूप से इस समय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। सारंग जी, समाधान निकालने का सबसे प्रथम चरण या प्रथम कदम होता है सही सूचना, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो लगातार इस किस्म की खबरें आ रही हैं, यूपी के संदर्भ में भी, कि वहां पर भारी मात्रा में सूचना की कमी है, यानी कि आपके अस्पतालों से जो आंकड़े डैशबोर्ड पर डलते हैं मौतों के और संक्रमित लोगों के, और जो शवग्रह जा रहे हैं उनको अगर आप तुलना करें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, दुगने तुगने लोगों का फर्क है, तो क्या इस आरोप के ऊपर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि मध्य प्रदेश आंकड़े छुपा रही है? संकेत, हमने 4 बार इस बात को क्लियर किया, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को क्लियर किया था कि मध्य प्रदेश सरकार का ना मंशा है और ना निर्देश है कि हम किसी तरह के आंकड़े को छुपाएं। देखिए, एक महामारी है और महामारी के यथार्थ को जनता के बीच बचाना, खासकर यदि कोई संक्रमण का रोग है तो दुनिया में इसकी भयावहता दिखाई जा रही है, इसको हमें छुपाने से क्या फायदा निकलेगा? जहां तक आंकड़ों में परिवर्तन का मामला है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, हम जो हमारे अंत्येष्टि होती है, अंतिम संस्कार होता है, उसका हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है, क्योंकि ये इतना स्प्रेड हो गया है, ये संक्रमण इतना तेजी से फैल गया है, तो जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु हो रही है उनको भी हम कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करते हैं, और जो हमारे सस्पेक्टेड है, जो संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव है, उनका भी हम कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही अंतिम संस्कार करते हैं। इसलिए जब अंतिम संस्कार में आप जाकर यदि किसी शमशान में जाकर यदि लाशें गिनेंगे तो वो लगेगी कि सभी कोरोना के पॉजिटिव की ही डेथ हुई है, जबकि उसमें संदिग्ध जो सस्पेक्टेड है और जो कोरोना पॉजिटिव है उन दोनों की मृत्यु के शव रहते हैं, और जो रिजल्ट आता है या जो आंकड़े आते हैं वो केवल मृत्यु के आते हैं।
इसलिए अंतर दिख रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि सरकार की ना मंशा है ना निर्देश है, हम किसी भी तरह के आंकड़े ना छुपा रहे हैं ना आगे छुपाएंगे। अंत में मैं आपसे ये सवाल सारंग जी करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश की इस समय क्या जरूरतें हैं केंद्र सरकार से जो पूरी अभी होनी है, क्योंकि वो एक समाधान होगा मध्य प्रदेश की जनता के लिए इस बीमारी से आगे निकलने के लिए या जूझने के लिए। निधि, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये महामारी है और इसमें कहीं इस बात को स्वीकार करने में हमें संशय नहीं होना चाहिए कि कोरोना आने के पहले इस हमारे यहाँ या इस देश में हमारी मेडिकल फैसिलिटीज इस महामारी को एड्रेस करने के लिए पूरी नहीं थी। पर मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा कि इस कोरोना की लड़ाई को जिस साइंटिफिक तरीके से उन्होंने लड़ा है, पहले लॉकडाउन लगाना, लॉकडाउन के बीच में हमने अपनी सभी जो मेडिकल फैसिलिटीज थी उसको एनहेंस किया। अभी सिद्धार्थनाथ सिंह जी को मैं सुन रहा था कि वेंटिलेटर एक हमारे लिए चैलेंज था, आज हमने हर जिले में वेंटिलेटर लगा दिया है। हमने लॉकडाउन में उन सभी जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज थी उनको हमने एनहेंस किया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहले कहा था जान है तो जहान है, फिर कहा जान भी है और जहान भी है, अर्थव्यवस्था को हम पूरी तरह से पटरी पर लेके आए, फिर वैक्सीन आया। वैक्सीन बनना एक बड़ी चुनौती था तो वैक्सीन को लगाना इतने बड़े देश में वो भी एक चुनौती था, उसके लिए मैं केंद्र सरकार को बधाई दूंगा। हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हम बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, उसको जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है, हमें मुझे कहीं कोई भी कमी नहीं लगती केंद्र सरकार की मदद में। केंद्र सरकार ने हमें चाहे इस पूरे कोरोना की लड़ाई में हमें बैकअप देने की बात हो, हमें रिसर्च और स्टडी के माध्यम से हमें जानकारी देने की बात हो, वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात हो या बाकी किसी भी व्यवस्थाओं की बात हो, हमें कहीं कोई कमी नहीं लगी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बड़ा चैलेंज है, ये बड़ी चुनौती है और हम सब मिलकर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बड़ी महामारी को हम हरा पाए। हम पूरी ताकत के साथ लगे हैं मध्य प्रदेश इसको, इससे जनता को बचाएं। पर मैं इसके साथ साथ आपको, एनडीटीवी को, निधि को, संकेत को बहुत धन्यवाद दूंगा, जिस पॉजिटिव मोड में आपने ये प्रोग्राम या ये सबमिट रखी है, निश्चित रूप से यही बड़ी बात है, क्योंकि चाहे हम हो या आप हो, हम सब इसी काम में लगे हैं कि इस महामारी से जनता को बचा पाए। केवल इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा और मैं एनडीटीवी को बधाई दूंगा कि पॉजिटिव मोड में सोल्यूशन सब सोल्यूशन पर गए। बहुत धन्यवाद, यही उद्देश्य है सारंग जी, यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, क्योंकि दोषारोपण से कोई हल नहीं निकलने वाला, किसी को कोई समाधान नहीं मिलेगा। मैं बहुत जल्दी टीएस देव साहब से भी यह सवाल पूछना चाहता हूं, यू नो द क्वेश्चन ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस डू यू नीड फ्रॉम द सेंटर टू फाइट दिस एट दिस मोमेंट। यस्टरडे वी हैड अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग विद द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, वी आस्क्ड फॉर 200 टू 1000 आईसीयू प्रीफैब्रिकेटेड यूनिट्स, इफ यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द टेक्नोलॉजी, प्लीज शेयर इट विद अस, गिव इट टू अस। We need 20,000 jumbo oxygen cylinders and about 10,000 10-liter cylinders. We would need ventilators. We would need a nasal cannula. We would need oxygenators, 10-liter capacity at least. We would be needing more oxygen-generating plants. These need to be set up immediately. Then interstate blockages of required material, whether it is some state blocking the supply of remdesivir, whether it is some state blocking the supply of oxygen, this needs to be rationalized. You cannot have one state holding on to everything and the other states not getting it, whether it is oxygen, remdesivir or any other item. Okay. So these are the places where the government of India must step in, and GST relaxations on some material being used for corona, correct, the battle against corona. So correct. Some of these suggestions I had put up to the health minister yesterday. I think these are important suggestions, Nidhi, which can lead to a possible solution also. बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत अहम हो जाता है जब स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के अपनी बात सामने रखते हैं तो जनता भी सुनती है और केंद्र सरकार भी सुनती है और उससे महामारी का मिलकर मुकाबला किया जा सकता है।